सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत का पार्ट वन पढ़ाऊंगी। पार्ट का नाम है पुल्लिंग शब्दानां प्रयोग। यहाँ पे हम पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति से रिलेटेड शब्दों का यूज करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। स्टार्ट, यहाँ बात करें अयम कहा, तो हमें ये संस्कृत लिखा हुआ है अयम कहा। अयम कहा की हिंदी होती है यह कौन है। क्वेश्चन, ये मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। बुक में हमें फिगर्स दी हुई है, उस फिगर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अयम छात्रा, यहाँ पे एक छात्र प्रेजेंट किया हुआ है। अयम यानी यह है छात्र है। फर्स्ट क्वेश्चन उसका हो गया कि अयम का फिगर को देख के उसने बोला चित्र में कि यह कौन है, तो कह रहे हैं यह छात्र है। अब वो अगला क्वेश्चन कर रहा है छात्र किम करोति, छात्र क्या कर रहा है, छात्र क्या करता है। क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट कह रहा है छात्र पुस्तक पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है, क्या करता है छात्र यहाँ, पुस्तक पढ़ता है। आगे अयम कहा, अयम मैंने बताया था आपको, अयम माने यह, कहा माने कौन है, यह कौन है। अब आगे बात कर रहे हैं हम बुक में, तो बुक में आगे फिगर दे रखा है एक लड़का है जिसका नाम है राम। आपको दिख रहा होगा ये बॉय बना हुआ है, उसका नाम है राम। अब आगे कह रहा है अयम रामा, यह राम है, कौन है ये राम। अब वो कह रहा है आगे रामा किम करोति, उनसे क्वेश्चन कर रहा है कि राम क्या करता है। तो पिक्चर में आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए लिख रहा है कि मैं यहाँ क्लियर दिख रहा है राम आपका नमस्ते, यानी पोजीशन है उसके हाथों को जोड़ना, हाथों को जोड़कर रखा हुआ है, यानी कि कोई आपसे इस तरह से कर रहा है तो क्या कर रहा है आपसे नमस्ते। तो यह राम क्या कर रहा है, राम नमस्ते, राम नमस्कार करता है। सेम इसी तरह मैं बुक में ही आपको रीड कराऊंगी सारा, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, लेकिन मैं आगे का रीड आपको बुक से कराऊंगी। नेक्स्ट, अब आगे कह रहा है अयम कहा, यह कौन है। यहाँ पे एक बालक दिख रहा है कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, पेपर और पेन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे अयम कहा, यह कौन है, अयम बालक कहा, यह बालक है। बालक किम करोति, बालक क्या करता है, बालक पत्र लिखति, बालक पत्र लिखता है। सेम आगे ऐसे ही जो भी है जो कपड़े धो रहा है। यहाँ आगे बात कर रहे हैं अयम कहा, यह कौन है, अयम रजकहा। धोबी को संस्कृत में रजकहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं रजकहा। तो यह धोबी है, रजका किम करोति, धोबी क्या करता है, धोबी कपड़े धोता है। आगे पढ़े अयम कहा, यह कौन है, अयम शशकहा, यह खरगोश है। खरगोश को संस्कृत में शशका बोलते हैं। शशका किम करोति, शशका खादति, खरगोश क्या करता है, यहाँ पर खरगोश खाता है, क्या खा रहा है गाजर। तो गाजर उसने नहीं बताया, बस उसने ये कहा है कि खरगोश खाता है। आगे यहाँ घोड़े का चित्र बना हुआ है। अयम कहा, यह कौन है, अयम अश्व, यह घोड़ा है। घोड़े को संस्कृत में अश्व बोलते हैं। अश्व किम करोति, अश्व धावति, अश्व क्या करता है, अश्व दौड़ता है, धावति माने दौड़ना। आगे अयम कहा, यह कौन है, यह एक लड़का है। बालक किम करोति, बालका क्या करता है, बालका पुष्प जिघ्रन्ति, लड़का फूल सूंघता है।
सेम ऐसे ही अयम कहा, ये कौन है? अयम मोहना, ये मोहन है। मोहन किम करोति, मोहन क्या करता है? मोहन मयूर पश्यति, मोहन मोर देखता है। यहाँ पे मोहन मोर के पास है, उसको देख रहा है। समझ आया आपको कुछ? तो यहाँ पे ट्रांसलेट करा हुआ है ये वर्ड। नेक्स्ट मैं आपको आगे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, उस नोट्स में आपको संस्कृत के शब्दार्थ होंगे जिसमें आपको संस्कृत से हिंदी में लिखना है, वो मैं आपको लिख के भेजूंगी। इसको आप फेयर कॉपी में अपनी लिखेंगे। स्टार्टिंग आपकी यही से है, ये आपका ऐसे बंद का स्टार्ट है यहाँ से चैप्टर 1। इससे पहले मैंने आपकी वंदना कराई थी, तो वंदना की भी